नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला डोसा। आइए शुरू करते हैं। मैंने एक कप चावल लिया था, कोई सा भी चावल ले लीजिएगा आप, और आधा कप उड़द दाल। ये उड़द दाल जो धुली हुई होती है ना, ये, और ये दोनों को मिक्स करके धो के मैंने 4 घंटे के लिए भिगोया था, और फिर मैं इसको मिक्सी जार में पीस लिया था, और पीस के पूरी रात मैंने रखा था, और इसके बाद ये पेस्ट बना के मैं रेडी कर ली हूँ। अब मैं गैस जला रही हूँ और अब आपको दिखाऊंगी कैसे डोसा तवा पे आसानी से बन सकता है। तो तवा को गर्म करते हैं। पहले तवा गर्म हो गया है, अब इसमें ना ऑयल लगा देंगे, क्योंकि इसको नॉनस्टिक बनाना है तवे को, और इसके बाद गैस को कम कर देंगे। गैस कम करने के बाद पानी का छींटा डालेंगे। छींटा डालने के बाद कोई सूती कपड़ा हो ना आपके पास तो उससे अच्छे से तवे को साफ कर देंगे, और उसके बाद ये गैस सिम रहेगा, और इसको एक कड़छी से लेंगे और एक ही जगह पे डालेंगे, और इसको आराम से इसको हिलाते जाएंगे। ये बहुत आसान है बनाना, आप भी बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाता है। और आप गैस को तेज कर देंगे और इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे साइड साइड से। अब इसको फुल आंच पे पकने देते हैं। अब ये खुद ही देखिए, ये साइड साइड से छूटने लगा अपना डोसा। तो फिर इसको क्या करेंगे ना, कि हमने मसाला डोसा बना रही हूँ, तो इसमें मैं आलू का मसाला बनाई हूँ। तो इसमें कैसे किया, मैंने आलू बॉयल किया, और एक प्याज, आधा शिमला मिर्च और एक आधा टमाटर इसमें डाल के फ्राई कर लिया, और ये मसाला रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको इसी रेसिपी का वीडियो डाल दूंगी। और इसको एक साइड से फोल्ड कर देंगे और फिर आराम से दूसरे साइड से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए क्रिस्पी हमारा डोसा बन के रेडी है। एक और मैं आपको बना के दिखाऊंगी। सेम ऐसे ही करना है, ऑयल लगाना है, फिर पानी का छींटा देना है, और फिर इसको कॉटन के कपड़े से अच्छे से तवे को साफ कर देना है। ध्यान रखना है कि गैस सिम रखे। गैस ज्यादा तेज होगा, तवा ज्यादा गर्म होगा, तो अपना डोसा चिपकने लगेगा। इसके बाद एक ही जगह इसको डालेंगे और फिर हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते जाएंगे। फिर इसके आसपास ऑयल डालेंगे। अब इसमें मसाला डाल देंगे, बीचों बीच मसाला डालना है। आप देखे होंगे बाजार वाले, ये जो ठेले वाले हैं ना, ऐसे मसाला डालते हैं बीचों बीच, और इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके और इसको निकाल देंगे, गैस ऑफ करेंगे। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म डोसा, मसाला डोसा रेडी है। ये देखिए सांभर तो मेरे चैनल पे है, अगर आपको देखना है सांभर तो मेरे चैनल पे जाके शुद्ध भोजन सर्च करके आप देख सकते हैं। चटनी का रेसिपी आप बोलोगे तो मैं डाल दूंगी, नारियल और मूंगफली की चटनी है। आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए और आगे बताइए कि और क्या मैं आपके लिए बनाऊं। नमस्ते।